हाउ टू मेक अ व्हाट्सएप वायरल स्क्रिप्ट ऑफ ईद मुबारक 2019। जी गाइस, आज हम आपको देने वाले, प्रोवाइड करने वाले स्क्रिप्ट 2019 की, जो अभी आने वाले बकरे ईद मुबारक जो अभी करीब 10-12-15 दिन के बाद तो आने ही वाला है। तो स्क्रिप्ट जो है, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे वायरल होती है, वो काफी जबरदस्त स्क्रिप्ट होती है, जिससे काफी अच्छे खासे आप इनकम जो जनरेट कर सकते हैं। और इसमें मैं बता दूं, आपको कुछ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ कोडिंग की हुई है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिर्फ आपको 3-4 जगह चेंजेस करने हैं, जहां पे आपको जो अपनी वेबसाइट की लिंक डालनी है और उसके बाद एड यूनिट डाल देंगे और उसके बाद जो आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। और मैं बता दूं कि स्क्रिप्ट किस तरह का लुक है, इसका कैसा लुक है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे आप उसे, जैसे मैं ओपन करके दिखा देता हूं, तो जैसे मैं आप सबसे फर्स्ट में आप नाम डाल लीजिए, जैसे नाम डाल के करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट में आपको वेबसाइट का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे आ जा रहा है कि खुल के यहाँ पे काउंटिंग जो डेज, कितने डेज बाकी है वो भी आ जा रहा है कि वहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने दिन बाकी वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डेज आ जाएंगे। और उसके बाद जो नीचे आपको कुछ इमेजेस वगैरह, कुछ इमोजी वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे आप उसको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो इसमें आपको एड मिल जाएंगे, जो एड लगा, जो एड सेट करेंगे वो एड शो करेगा। तो ये सारा कुछ इस तरह का लुक है, आप इसको जो है आप कर सकते हैं, कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड है, वो मैं आपको बता दूंगा। और इसको होस्टिंग हम करने वाले हैं, इसको मतलब जो वायरल करने वाले, इसको ब्लॉगर के जरिए करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगर में जो आप कैसे जो इसे कर सकते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए, हम वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आपकी जो स्क्रिप्ट है उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक से आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए जल्दी से हम अपने पीसी पे करके हम बता देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन काम ये करना होगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कहिए कि मुझे मोबाइल पे करना है, तो मैं आपको इसके लिए जो है मोबाइल पे भी बता दूंगा ट्यूटोरियल किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके जो है, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये कुछ इस तरह का, अगर जो है विंडोज में अगर ओपन करेगा, मतलब लैपटॉप के अंदर कोई ओपन करेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। लेकिन जब इसी को मोबाइल के साइज में करेंगे तो कुछ इस तरह, मतलब रिस्पॉन्सिव है, इसको जिस तरह करेंगे उसी तरह से दिखाएगा, बिल्कुल इस तरह का है जैसे कि हमने दिखाई दिया है। अब सिर्फ इसमें एडिट करनी है, तो एडिट करने के लिए क्या करना है, इसको डायरेक्टली जो है मैं आपको बता दूँ, तो ये है, इसको राइट क्लिक करके जो है आपको डायरेक्ट क्लिक करना क्या होगा, इसको विथ नोट पैड इस पर ओपन कर लेना है। आपको याद रखना है कि आपको नोट पैड ही से करना है, अगर नोट पैड के अलावा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह का खुलेगा आपको। अब इसमें चेंजेस क्या करना है, इसमें तो आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 10 नंबर पे है यहाँ पे लिखा हुआ है ईद हैप्पी 2019 लिखा हुआ है, इसको चेंज करके अपने वेबसाइट की लिंक डालनी है। वो किस तरह से डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं क्रोम में चलता हूँ और उसके बाद एक ब्लॉग जो ओपन कर लेता हूँ ये, और मैं एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करता हूँ। तो न्यू ब्लॉग क्रिएट करने के लिए नीचे यहाँ पर जो है रमजान स्क्रिप्ट जो बना हुआ है यहाँ पे, यहीं पे आपको ओके करेंगे, तो यहाँ पे न्यू ब्लॉग, इस पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ जैसे ईद हैप्पी 2019 यही डाल देता हूँ। उसके बाद जो है इसमें मैं डाल देता हूँ एड्रेस में, तो इसको भी यही डालता हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। इसमें आपको स्मॉल लेटर रखना होगा तभी ये होगा। 19 डाल के देखते हैं एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, इसको ओके करते हैं। तो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं 2019 को हटा करके सिर्फ 2 रहने देता हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। ये है देख, एड्रेस अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। अब इसको चाहे क्रिएट करिए चाहे यूँ ही रहने दीजिए। और उसके बाद चलिए फिर से आप चलते हैं नोट पैड में, और इसको जहाँ से जहाँ तक HTTP ये सब तो नहीं है, सिर्फ ईद से है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कॉम तक कॉपी करके और इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, तो वो आ गया, इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे चेंजेस आप जो करना है, ये तो वेबसाइट डाल दी, अब नीचे चलिए, अब डायरेक्टली हम एड लगाना सीखते हैं, एड कहाँ पर लगाया जाएगा। तो एड लगाने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी से नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हेड एसेंस कोड, यहाँ पर आप इसकी साइज जो है 460 पिक्सल का होना चाहिए, ये NST कोड जो हमने डाल रखा है। अब एड निकालने के लिए जो मैं चलता हूँ फिर से इसको गूगल एडसेंस में, और मैं एडसेंस में भी दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का खुल गया। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि एड्स पे चले जाएंगे, एड्स पे चल के हम यहाँ से
एड्स यूनिट पे जाना है और यहाँ पे एड्स खुल गया तो अब यहाँ पे डिस्प्ले एड पे ओके करके आपको यहाँ से एड जनरेट कर लेना है। तो एड जनरेट जो है रिस्पॉन्सिव तो नहीं बनाना है, मतलब मुझे साइज देना है चूज करके। यहाँ पे जो फर्स्ट में यहाँ पे आपको नाम डाल देना है यूनिट ने, तो मैं डाल देता हूँ हैप्पी बैनर बैनर डाल देता हूँ जैसे कि याद है। और यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं एड साइज, तो एड साइज कितना डालना था वो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल जा रहा है, वो 468 का डालना है, 468। तो यहाँ पर जाना है ओके करेंगे, फिक्स साइज है इस पर करेंगे ओके। और उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 468 और विड्थ जो है 60 डाल दें, ये डाल दें कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसको क्या करना है डायरेक्टली यहाँ पर से आप क्रिएट कर लेना है, जैसे क्रिएट करेंगे तो आपका एक एड तैयार हो जाएगा, यूनिट तैयार, ये देख रहे तैयार हो चुका है। अब इसको यहाँ से सिर्फ सिंपल सी कॉपी कर लेनी है और उसके बाद फिर चलते हैं और जहाँ तक यहाँ से लेके है तो सॉरी यहाँ से नहीं है, एडसेंस बैनर एक यहाँ से है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं सिर्फ सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके पेस्ट हो गया, यहाँ पे आ चुका है कुछ। अब आगे चल के हम चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में यहाँ पे एक दूसरा कोड शो यहाँ पे आ गया एडसेंस कोड, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव एड लगाना है। रिस्पॉन्सिव एड लगाने के लिए फिर से जाना है मुझे यहीं में और उसके बाद जो है इसको पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये तो चुका डन कर देता हूँ। अब उसके बाद फिर से इसी पे डिस्प्ले एड्स पे ओके करके अब इसको मैं रिस्पॉन्सिव बना लेता हूँ, एड डाल देता हूँ हैप्पी रिस्पॉन्सिव डाल दिया। उसके बाद जो यहाँ पे इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बस रिस्पॉन्सिव एड इस तरह के दिखेगा क्रिएट कर लेना है और उसके बाद जैसे क्रिएट हो रहा है मैं वेट कर लेता हूँ। ये मतलब हमको तैयार करके दे चुका है, तो अब उसको करना क्या डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डायरेक्टली फिर चलते हैं नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के लिए हमको यहाँ से ले लेना स्क्रिप्ट से जो है यहाँ पर से यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद जो है हमको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है, उसके बाद डायरेक्टली सिर्फ हमको पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेस्ट कर देते हैं, उसकी जगह पर पुट हो गया। अब आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ पर शायद एक और हो, यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कट डाउन सेटिंग है 551 में, तो आई थिंक 5 जून से जो है शायद ईद ख़त्म हो जाएगा, मतलब ईद की स्टार्टिंग हो जाएगी, इसी नाम पर मैंने 5 जून रखा है यहाँ पे। और उसके बाद जो है 2019 डाल रखा है 00, तो यहाँ पे कट डाउनिंग जो है तो मतलब डेज जो है वहाँ पे ये शो करेगा और यहाँ पे सारा मतलब इसी की कोडिंग है, तो यहाँ पे आप कुछ ना करिए। आगे चलिए और देख लेते हैं एक जगह और है, ये यहाँ पे देख सकते हैं बिलो एडसेंस कोड है लिंक एड्स, यहाँ पे क्या करना है लिंक एड्स डालना पड़ा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं उसे भी निकाल लेता हूँ जल्दी से मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फाइनली हमने जो है यहाँ पे भी पुट कर दिया एड को, जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव एड ही हमने लगा दिया अभी। और उसके बाद चलिए हम आगे और एक जगह और चेंज करना है, तो जैसे अजीत भाई यहाँ पर आप चेंज करना चाहते चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है नीचे 612 पे जो है आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है HTTPS वेबसाइट दिखा रहा है, मतलब शेयर योर बेस्ट फ्रेंड्स और उसके बाद HTTP लिखा हुआ जो है लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देना है आपको। तो इसको चेंज करने के लिए इसी पे ओके करना है और उसके बाद जो उस वक्त हमने कॉपी किया था ब्लॉग से उसको फिर ले आते हैं हम यहाँ पे और उसके बाद जो इसी को फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो है इसी को हम फिर कॉपी कर लेते हैं और फिर इससे चल के हम और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया हमने इसको यहाँ पे, अब आपका काम ख़त्म। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा सब कुछ किया हुआ। अब इसको क्या करना है सिंपली सा सेव कर लेना है और उसके बाद क्या करना है सेव करने के बाद अब डायरेक्टली चलते हैं फिर अब ब्लॉग में होस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं एक बार, अरे जो यहाँ पे ओके किए थे इसको ओके कर देना है, क्रिएट ब्लॉग जो है इसको ओके कर देना है और उसके बाद जो है हम खुल जाते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्रिएट हो रहा है और एक ब्लॉग जो है आपका तैयार हो चुका है। ये यहाँ पर इसको कुछ इस तरह का है तो इसको काट देंगे और उसके बाद जो है अब चलिए हम व्यू ब्लॉग करते हैं। तो देखिए इसको आपको कुछ इस तरह का सिंपल दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, कुछ नहीं है सिंपल सा है। तो हम इसको छोड़ के चलिए, अब इसमें करना क्या है कि जो हमने कोडिंग की थी उसके लिए अब लाने के लिए यहाँ पे थीम पे करना है ओके।
थीम पे ओके करने के लिए अब यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको नीचे क्या करना होगा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे तो मतलब कोई कस्टमाइज का मोबाइल पे देख रहे हैं कि कस्टमाइज का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करना है। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको एक मिनट सिंपल वाला जो है, सिंपल वाला ये थीम, इसको ओके कर देना है। जिससे ओके करेंगे तो अब अप्लाइड अप्लाइड टू ब्लॉग ओके, उसके बाद गॉट इट, जैसे आप ओके करेंगे तो ऊपर आपको आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए आगे आइकन, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नो कर देना है, नो करके सेव कर दीजिए। अब हो गया यहाँ पे, अब सिंपली सा आगे चलिए नीचे चलते हैं। अब नीचे चलेंगे सबसे तो यहाँ पे रिवर्ट टू क्लासिक थीम, इस पर ओके करेंगे। जैसे अब इस पर ओके कर देंगे तो फिर नीचे देखिए रिवर्ट टू क्लासिक थीम, इसमें फिर से ओके करना है। और उसके बाद जो कोडिंग हमने की थी मतलब नोटपैड प्लस प्लस में, ये सारी कोडिंग यहाँ पे इसको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके अपने जो है बटन वाले मतलब कीबोर्ड से डिलीट वाले बटन जो प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद फिर नोटपैड में जाना है, नोटपैड प्लस प्लस में कंट्रोल ए कंट्रोल सी मतलब पूरी कॉपी कर लेनी है। उसके बाद फिर से चलते हैं ब्लॉग में, उसके बाद चाहे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, चाहे कंट्रोल भी कर दीजिए, तो जो सारी कोडिंग की रहेंगे आप पूरी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सिंपली करना क्या होगा, सेव थीम, नीचे जो ये दिख रही सेव थीम, इस पर ओके कर देंगे तो आपकी थीम जो है सेव हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी ये सेव होगी। और फिर अब व्यू ब्लॉक करते हैं, तो आप देखते हैं किस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पे इंटरव्यू नेम तो मैं डाल लेता हूँ, ओ सॉरी हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ गया यहाँ पे, बिल्कुल आपको उसी तरह से। यहाँ पे एड अभी शो नहीं कर रहा है, शो कर जाएगा, बहुत जल्दी शो करेगा। और उसके बाद जो है कुछ इस तरह का तैयार होगा, इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बैनर जो आ रहा है साइड में, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि चलिए ईद में फिर से चलते हैं। और यहाँ पे जो देखते हैं एक मिनट, यहाँ पे जो दिख रहा है ये चेंज नेवर बार न्यू बार, तो इसको क्या करना है और इसके बाद ऑफ कर देना, जैसे ऑफ करेंगे। और उसके बाद जो है ऑफ करने के बाद जो है और सेव कर दीजिए, और उसके बाद सेव हो गया। फिर व्यू ब्लॉक करिए, तब वो चीज़ जो है आपको बार जो लगा ऊपर वो हट जाएगी, वो ये हट यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है बार हट चुका है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, अब इसी को आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, इसी को देख सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो जो हमने बताया था, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।